नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पैन कार्ड से जुड़ी हर समस्या ट्विटर पर होगी दूर, तुरंत मिलेगा जवाब। अब आपको पैन कार्ड से जुड़े किसी भी काम को करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। पैन कार्ड इस समय सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। आपको चाहे अपने घर का काम करना हो या फिर बैंकिंग का काम काज, सभी जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यूज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अब आपको पैन कार्ड से जुड़े किसी भी काम को करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा। पैन कार्ड इस समय सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। आपको चाहे अपने घर का काम करना हो या फिर बैंकिंग का काम काज, सभी जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपके कार्ड में कुछ अपडेट होना है या फिर किसी भी तरह की समस्या है तो अब आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। पैन कार्ड से जुड़ी सभी समस्याओं का अब NSDL ई गवर्नेंस ट्विटर के जरिए भी हल करेगा। पैन कार्ड होल्डर्स अब पैन कार्ड के लिए आवेदन देने के बाद भी अब तक डिलीवरी न होने, पैन कार्ड में नाम या एड्रेस चेंज कराने, फिर पैन कार्ड में किसी भी तरह का करेक्शन करने जैसे कोई भी काम आप ट्विटर के जरिए कर सकते हैं। कुछ मामलों में समस्या से जुड़ी डिटेल्स को कस्टमर सर्विस ईमेल आईडी पर भेजने के लिए भी कहा जा सकता है, लेकिन आपकी शिकायत पर बहुत तेजी से रिवर्ट दिया जाता है। NSDL ई गवर्नेंस इन दिनों सोशल मीडिया का बेहतर मैनेजमेंट और सेवाएं देने के लिए अधिकतम इस्तेमाल कर रहा है। NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पैन कार्ड सेवाएं, UID या आधार कार्ड एनरोलमेंट सर्विस, NPA जैसी सेवाएं रिटेल कस्टमर तक पहुँचाता है। भारतीयों के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी डॉक्यूमेंट है। पैन नंबर के बिना कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रुक सकते हैं। एक पैन कार्ड पर टैक्स पेयर का नाम, जन्मदिन की तारीख और तस्वीर शामिल होती है। आयकर विभाग द्वारा पैन जारी किया जाता है। आपका पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध होता है। पैन कार्ड पर जो नंबर लिखा होता है वह कोई सामान्य नंबर नहीं होता है, बल्कि इस नंबर में पैन से जुड़ी कई जानकारियां शामिल होती है। पैन जारी करने वाला आयकर विभाग पैन नंबर देने के लिए एक खास प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत आपको 10 अंक वाला नंबर दिया जाता है। 10 डिजिट वाले प्रत्येक पैन कार्ड में नंबर और अक्षरों का एक मिश्रण होता है। इसमें पहले 5 कैरेक्टर हमेशा अक्षर होते हैं, फिर अगले 4 कैरेक्टर नंबर होते हैं और फिर आखिरी में एक अक्षर आता है।